सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल तमन्ना ब्लॉग्स। सो गाइज, जैसे कि आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रे। सो गाइज, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज मैं सोच रही हूँ, आज कोई फनी ब्लॉग, कोई ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं है। तो आज मैं, अभी तो राउंड हो रहा है, मैं जा रही हूँ जिम। तो जिम से जब आऊंगी फटाफट रेडी होके, मैंने सोचा कि फर्स्ट नवरात्रा क्यों ना कुछ अच्छा करा जाए, मंदिर के बाहर जाके। या और वैसे भी मेरी जो काम वाली हैं दीदी, वो बता रही थी कि मैंने बोला आपकी कितनी बेटियां हैं, तो उन्होंने बोला मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो मैंने बोला आप बेटियां पढ़ती नहीं है? कहते नहीं, मैं पढ़ा नहीं सकती, उनको पैसे नहीं होते मेरे पास इतने। तो मैंने उनको बोला कि मैं पढ़ा दूंगी, तो उन्होंने बोला नहीं, अब क्या, आप तो शादी कर देंगे ये वो करके, हमारे घर तो राशन की भी बहुत दिक्कत है वो। तो मैंने सोचा क्यों ना दीदी को आज राशन दिया जाए, फर्स्ट नवरात्रा है तो चलो माता का दिन है और अच्छे से हम करें। और भगवान का बहुत ब्लेस है मेरे पे, मतलब इतना भगवान का आशीर्वाद है कि मैं मतलब इस लाइक बन गई हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। तो आज और मैं राहुल जाएंगे, बहुत सी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाएंगे, वो आपको बताएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, अभी जा रही हूँ मैं पहले जिम। बाय बाय, स्टे ट्यून। तो गाइस, मैं जिम से आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मैंने जल्दी जिम लगा लिया, बज रहे 8:40, फटाफट रेडी होके अब निकलेंगे। राहुल, राहुल सर, ओ माय गॉड, आज राहुल सर भी नहा धो के बैठे हैं। वाओ, नाइस राहुल सर। हो गए तैयार जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो चलो चलो, ओके। सब कुछ कैसे लग रही है बताओ तो? बड़े मस्त लग रहे हो। हाँ हाँ, सकल देखना, शीशा में सकल दिखाने का, नाच नूच के ना दिखाओ, सीधे खड़े हुए सही है। गोलगप्पे होते हैं ना, वैसे ही लग रहे आप सही में। अच्छी नहीं लग रही ना? तू बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तो खराब लग रहा हूँ, देखो देखना कितना खराब हूँ मैं। आ जाओ यार, सुबह जिम लगाती हूँ। सब कुछ मैचिंग मैचिंग है। और सुंदर ना लगो? ना लगो सुंदर? लगो सुंदर भैया, तू बता दे तो नहीं लगूंगी। चलो गाइस, चले गाइस, चलो 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 चलो। मैं रेडी रूडी हो चुकी हूँ, अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि नवरात्रे। तो मैं कहा इसके भी पाप धुल जाए, इसका भी माथा टका लूं। मंदिर मुदिर तो ये जाता नहीं है वैसे भी, तो अब मैं क्या करूंगा जाके। तो गाइज, हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में फिर मैं सोच रही थी मैं क्या दूं क्या दूं। एक्चुअली काम वाली जो मेरे घर पे आती है दीदी सफाई के लिए, उनको तो मैंने सोच ही रखा था कि आटा चावल राशन वगैरह मैंने देना है, नवरात्रे पे ही देना था फर्स्ट, है ना। बाकी मैं कहा और मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ चीज क्या बांटू, फिर मैंने सोचा पैसे दे दूंगी और तो क्या ही करूंगी। तो गाइज, इसलिए अभी हम निकल रहे हैं, निकल है? मुझे भी दे देना जितने तू लेता ना, कोई नहीं लेता होगा पैसे। मुझे आटा उटा नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? पैसे। क्या करेगा पैसे का? करूंगा। हाँ, मैं पैसे देने से मतलब वाला है, खर्च तो मेरा मना, किसमें करूँ खर्च? तू किसमें भी करे खर्च, इतना अच्छा नहीं है तू जितना बन के दिखा रहा है। यार मैं गरीब नहीं हूँ, मुझे नहीं दे सकते पैसे। नहीं, अच्छा अमीर है तू? अमीर हूँ, दिल का तो अमीर है ना, शकल से तू दिखता गरीब, दिल का तो अमीर है ना। गाइस, जब भी मैं किसी को कुछ बांटना बूटना हो, कुछ भी करना, ये पहले गरीब, ये पहले रोन कतर पा देता है कि मेरे को दो मेरे को दो, बताओ गाइस क्या करें। सो गाइस, बाकी देखते हैं क्या बनता है, बने रहिए ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून। सबसे पहले मैंने निकाला कैश। क्यों राहुल सर, मुझे कितने दोगे कैश? क्या मुझे कितने दोगे कैश? कोई क्या, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू इतना पुण्य दान करने जा रहा है ना, बहुत बड़ी बात है तेरे लिए जो तू पुण्य करने जा रहा है। अरे हमें कोई दान कर दो यार। क्या कर दो? इतना पैसों के लिए क्या मर रहा है तू? तो गाइस, अभी हमने कैश निकाला, फिर देखते हैं। मैं सोच रही हूँ फ्रूट ही दे दूँ, पैसों से कई बार होता है कि मैं देखना। हाँ, परफ्यूम है, तो सोच रही हूँ कैश दे दूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये, 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 ये मंदिर जा रहा है तू, ये मिलने जा रहा है कहीं, मुझे भी दे, मैं भी लगा लूँ। मुझे भी दे। गाइस, मैं करवा रही हूँ सेब और केले करवा,
सेब और केले, मैंने कहा थोड़ा सेब केले बांट देंगे। और राहुल सर इधर आओ, राहुल सर आप कुछ कहना चाहते हो? सेब केले ठीक है कि पैसे भी देने हैं? पैसे भी दो। चल पैसे दे, फिर पैसे तू दे, जल्दी जल्दी दे। बांटने के लिए राहुल जिंदगी में पहली बार दे रहा है पैसे, जिंदगी में कभी इसने पैसे। बकवास, पैसे गिर के बकवास बकवास। इस राहुल को देखने के लिए देखो कितने कितने जन है। क्या बोला? क्या बोला? चीता तू है, चीता। चलो गाइस, गाइस ये ले लिए हैं केले, ये ले लिए हैं सेब, ये रख दिया सामान। गाइस अब हम जा रहे हैं बांटने के लिए, ठीक है? पैसे दे दो पहले। पहुंच चुके हैं हम मंदिर, अब जा रहे हैं मंदिर। बहुत 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 ज्यादा रश है आज मंदिर में। टोकरी में जो सारा होता है वो सो गाइज मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा रश था, तो हम वहाँ पे केले सेब और थोड़े से पैसे वगैरह दिए हमने। और ये भैया की टांग में लग रखी थी, इनको थोड़े ज़्यादा पैसे दिए, तो बाकी बाद में लग रहा था कहीं दारू दूर तो नहीं पीता होगा बाकी। बट चलो हमने अपने दिल से पुण्य करा, बाकी जो होगा भगवान को देखा जाएगा जो भी है। सो ये इतना ज़्यादा रास्ता है, एक बार लेके द्वारा बोल रहे थे हमें नहीं दिया हमें नहीं दिया हमें नहीं दिया, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही, पता नहीं कहाँ से बच्चे भी आ गए थे। और इसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था, मैं फटाफट गाड़ी में। मंदिर में माथा टेक लिया और फ्रूट वगैरह भी बांट दिया, पैसे पुसे भी बांट दिए। पैसे खत्म हो गए पर पैसे पैसे करते रहे वो, क्योंकि खुले पैसे जितने थे उतने हमने दे दिए, 20 और 10 के नोट थे, है ना राहुल? और राहुल महाशय वहीं बैठे हुए, ये नहीं कि भी हाँ आगे थोड़ा हाथ बढ़ाए, ना वहीं बैठे आराम से, थोड़ा भी एक्टिव नहीं है हमारा राहुल। अरे अंकल बता जा रहे हैं, मैं तो देख के। क्या अंकल कह रहे? कह रहे अंकल मुझे दे दे, मेरे को एक स्मार्ट लड़का समझ रहा था बस। क्या बोल रहे? मेरे को किसने बोला अंकल? उनको बकवास से बच्चे है वो, बांटी जब मेरी तो मुझे बोलेंगे, तुम्हें तो बुलाएंगे। सबको प्रसाद बांट के थक चुके थे, पर इनको एक तरस बंदा आ गया, एक तरस आ गया कोड़ी बंदे पे। हाँ, उसके लिए मैं इतना मना भी कर रहा हूँ, फिर भी इनको तरस आ चुका है। और मैं क्या 100 रुपए 100 रुपए दे गया। टांग नहीं है ना, टांग नहीं। और क्या फल फ्रूट लेके जा रही है उसको देने के लिए? जाओ फटाफट देख के गाड़ी देख के खोलना, पीछे एक्टिवा पता लगे दान पुण्य करने के चक्कर में हमारा दान पुण्य। तो हमने सबको प्रसाद बांट दिया, नवरात्रि का पहला दिन था, हम सबकी तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि। और सबको बांटने के बाद एक सेब बच गया था, तो मैंने सोचा झूठ बोल रहा है, एक सेब नहीं बचा, केले और सेब बहुत पड़े पीछे, झूठ बोल रहा है, ज्यादा लिए थे हमने, तो मैंने सोचा झूठ नहीं बोलना। अब 9 दिन तो बिल्कुल झूठ मत बोलना, और वो चैलेंज तुम कभी नहीं कर सकते, झूठ बोले बिना तुम रह नहीं सकते। तो गाइस कमेंट करके बताएं कौन कर सकता है 9 दिन बिना झूठ बोलने वाला चैलेंज कंप्लीट। कोई है? माइकल है? है। कौन है? राहुल सर। वो तो काला है, माइका माइका काला है, वो लाल नहीं है, ये है माइका काला। तो गाइस अब जा रहे हैं हम आगे कुछ और करने के लिए, अगर होगा तो दिखाएंगे ब्लॉग में, नहीं तो फिर क्योंकि हम एक और पुण्य करने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जल्दी। गुप्तदान भी करना चाहिए, वो हम कर चुके हैं, वो हम बताते नहीं है। जो हम ये इतना इसलिए करते हैं थोड़ा बहुत कि मतलब कि हमें देख के आप भी सीख लो, आप भी करो, आप भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे पहले मुझे भी नहीं समझ आ रहा था क्या दूं क्या दूं क्या दूं, पहले मैंने सोचा खाली पैसे दे दूं, फिर मैंने भी वीडियो देखी किसी की, तो फिर मैंने सोचा हाँ प्रूफ दे सकते। पर ये कह पैसे मत दो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसे पीछे ऐसे भागते हैं कुत्तों की तरह। ये सही बात है, हालांकि जैसे कि नहीं कभी पैसे कमा लो, खाने पीने चीज दो कि हाँ बंदा खाए पिए सेहत में लगे, पैसे पीछे कर ही जाते हैं।
ओके गाइस बाय बाय। अब सारा काम हो गया। दीदी को मैंने बोला है कि आप अपने मेरे फ्लैट मत जाना चौथी मंजिल, क्योंकि सामान अब दीदी के लिए लेंगे राशन। ठीक है राहुल सर, आपने साथ साथ राहुल के भी मैं पाप जो हूँ वो क्लियर करवा रही हूँ। क्यों राहुल? मेरी चप्पल तो मंदिर में रह गई है। तू क्यों नहीं रहा? तू भी रह जाता मंदिर में। चल आ जा आप राशन ले चल। तो गाइस दीदी ने ज्यादा बोला था हम दालें खाते हैं, तो मैंने ज्यादा दालें ही ली उनके लिए। देख सकते हो और एक कटाटा और चावल। आपने कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। आप ये ना सोचो कि औरों को बांट रहे हो, आपको भी बांट सकती हूँ। थम्स अप मैगी का पैकेट ले लिया और कुछ बस बाकी राजमा पड़े मेरे को। ठीक है बाकी कि अपने साथ साथ ये खुद दूसरों को देने के चक्कर में खुद भी कह रहा मुझे भी लेके दो कुछ। ये मैगी का पैकेट ले लिया राहुल सर और कुछ वासी शोर का ये हो गया जी 225 का चावल हो गए और वो आटा भी है। आज ज्यादा खर्चा हो गया राहुल। ये वाला 360 रुपए आता है। दीदी का सारा सामान आ गया। मैगी निकाल देना, मैगी निकाल। गाइस हमने ले लिया है अपने चाहते बंदे के लिए। मैंने आज तक 25 साल में मतलब हमारे बहुत काम वाली रही है, मेरे पापा के टाइम पे भी रही है और भी बहुत सारे, पर पता नहीं क्यों ये वाली दीदी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनको जितना बोल दूं ना वो देखेंगी ड्रॉर में क्या पड़ा हुआ, खुले पड़े होते हैं ड्रॉर, पैसे पड़े हो तो वैसे रखेंगी ना, इनको चुगली का मतलब किसी चीज का नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना तीन बेटे कहाँ पढ़ाएंगे कैसे खर्चा करेंगे। मैंने बोला फिर आप सब्जी, कहते सब्जियां नहीं हम ज्यादा दाल ही खाते हैं ये वो, तो मैंने जितनी भी दालें थी दुकान में सब और जितना बोल दूंगी दीदी ये वाला डस्टबिन बाहर फेंकना है, तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसको 100 बार बोलना पड़ता ना, दीदी को कुछ नहीं बोलना पड़ता। मतलब अपने काम को लेकर बहुत पंचुअल है। हाँ पंचुअल के अच्छी है और उन्होंने कहीं भी थर्ड फ्लोर किसी का काम नहीं पकड़ा हुआ। हाँ तो खराब है, सिर्फ मेरा ही काम पकड़ा है उन्होंने, क्योंकि बोल रहे आपका नेचर अच्छा है आप अच्छे लगते हो इसलिए उन्होंने मेरा काम पकड़ा, अदरवाइज नहीं। आप मिलाते हैं आपको ब्लॉग में बने रहिए स्टेट। ओके जिनकी मैं बात कर रही थी वो है ये दीदी। दीदी मैं आपकी ब्लॉग में बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा। मैंने बोला आज तक मेरे पास जितनी भी रही है सबसे अच्छी मुझे दीदी लगी। करती हूँ ना मैं दीदी की तारीफ। दीदी को काम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बोलो बाकी खुद ही कर लेती है काम। और अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर, वो किस लिए जा रहे हैं आपको पता ही है, बट आप ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। दीदी लो पकड़ो, जितनी थी वो मैं सारी ले आई, जितनी भी दालें थी। ये लड़का है मेरा। अच्छा ये लड़का है। अरे नहीं कोई बात नहीं, इधर सुनो पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, इसमें खाने के लिए भी इनके लिए ठीक है। और ये पैसे वो देने भी तो थे आपके, मैंने कोई बात नहीं। अब काम जाना है तो अगर नहीं हुआ तो रहने देना, आप क्यों इतनी दूर आओगे। हाँ रहने देना, पर कल ही करा लूंगी, शायद मैं कल घर भी चली जाऊंगी, बता दूंगी। जल्दी करा लें, कल सवेरे 4 बजे निकलना है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी जैसे बनेगा। नहीं दीदी को दे दिया सामान, मुझे लगा बहुत ही ज्यादा अच्छा। सर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। गाइस ये बहुत बिजी थी यार, पर आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। मैं काला आ रहा हूँ, इधर पकड़ाओ पहले। काले हो तो आओगे? अब इधर से गोरा आया, ये बड़ी। मैं तो गोरी हूँ, मुझे आप तुम गाड़ी मोड़ो, तुम गाड़ी फोड़ दोगे नहीं तो। ठीक है ओके गाइस ब्लॉग बने रहे, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। अब हम आ गए सागर रत्न कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। हमारा जो एक दो काम थे मैम के और मेरे, वो पेंडिंग काम वो कंप्लीट हो गया, हम कुछ खाएंगे घर पे देखूंगी। राहुल के लिए तो मैगी, इतना बड़ा पैकेट लिया गया उसमें मैगी का, रगड़ देगा सारा कुछ, बहुत खाता है मैगी, सारी मैगी खा लेगा भी। सारी दो टाइम खा लेगा, जैसे 4 पैकेट का 4 खा लेगा फिर 4। आए मेरा खाना आ गया, यम मेरा फेवरेट है। क्योंकि मैं फ्लैट बहुत बहुत थकी, मैगी मुगी चर ली तूने फिर है, मैगी मुगी चर के बैठा हुआ आराम से। अरे यार कबाड़ी, इसको रहने दे, सुन कर दे। नहीं मैगी मुगी चर के बैठा हुआ है, मैं आराम से सो रहा हूं। सो रहा है तू है। Yes, finally, हम काफी ज्यादा थक गए, हम और भी जगह बांटने गए, वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि अगर वीडियो बनाए फिर तो फिर लोग बोलते आप दिखाते हो क्यों दान करते हो, तो गाइज हम इसलिए वीडियो, वैसे तो मैक्सिमम हम डालते ही नहीं है, गुप्त दान भी मैं करती हूँ और वैसे भी बहुत कुछ करती हूँ जो अभी तो बताती हूँ मैं। आप भी गुप्त दान करो,
एक दूसरे की देख के मदद करो। हाँ सो गाइज इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि हम वीडियोस वगैरह डालते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है किसी की वीडियोस देखती हूँ, दान वगैरह जो देते हैं। हाँ सही लगेगा भाई। सो गाइज आज हमें बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है और मैंने राहुल से भी मतलब कि करवाया, पुण्य करा था अपन इसके, बहुत जिंदगी में पहली बार पुण्य करा। हाँ तो इसके पाप बहुत भर रखे थे इस करके इससे भी मैंने पुण्य करवाया। मेरे पाप पापी है ना ये गाइज, आपको पता ही है, इससे ही आप समझ जाओ कि कितना पापी है। सो गाइज काफी अच्छा लगा हमें पुण्य करके और आज फर्स्ट नवरात्रे था, मतलब कि ये जो वीडियो है ये कल अपलोड होगी, मींस तब सेकंड नवरात्र होगा, तो आज जब बनाई है तो अपलोड करेंगे हम कल, कल अपलोड होगी। हाँ सेकंड नवरात्रे पे। तो बाकी राहुल आपको कैसा लगा पुण्य दान? मुझे दान करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे दान कर दो कुछ। अरे तुम क्या दान करूँ, मैं तुम्हारे लिए दान बहुत हूँ। अच्छा गाइज ये अपने पे घमंड कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए दान हूँ बहुत। तो गाइस पहली जिंदगी में पहली अच्छी बार काम करा मैंने, इसने मैंने बहुत बार करे हैं तुझे पता है। अब तुमने तो बहुत बार करे, तुम तो करती रही तो भाई। हाँ तो तुम भी करना सीखो ना, इस काबिल बनो ताकि तुम भी करो। पैसे होंगे जभी तो करूंगा। तेरे पास सब कुछ होता है, अगर जिसने करना हो तो अपनी सैलरी से भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि पांच पांच हजार का दान करना है, बंदा हजार का भी कर सकता है, 500 का भी कर सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। किसके घर में राशन नहीं होता है वो भी। अब गाइज मुझे इतना अच्छा लगा दीदी के, मतलब अच्छा लगा ना वो दीदी के घर पे, गाइज उनका बेबी भी इतना खुश हुआ है ना, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया तो राशन काफी ज्यादा था, तो वीडियोस में तो थोड़ा कम आया तो काफी और भी था, और उनके फ्रूट भी वो मेरी गाड़ी में रह गए, वो भी मैंने देने थे, वो गाड़ी में रह गया। सारा सामान दे दिया, सबरा सामान दे। ठीक कैसा लगा दाले? देखो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गाइस, उन्होंने बोला था दाले, हमने सारे दाले जो जो उन्होंने बोला था बोला क्या था, और वो दीदी इतनी अच्छी है कुछ नहीं मांगती है। सही है यार, वो दीदी बढ़िया है ना, बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया गाइज। मैंने बहुत सी देखी मांगने वाली जो मांगते हैं ये, और मांगने वालों को तो मैं बिल्कुल वैसे नहीं कुछ भी देती जैसे राहुल। देखो गाइज इसको अभी भी फोन आ जा रहा है, बस किसका फोन आ रहा है, दोस्त की शर्म तो है ही नहीं ना। अरे शर्म कहाँ है, बेच कर खाओ। आज पुण्य करके आया, अब 9 दिन नो मीट नो अंडा नो सिगरेट पिगरेट नो दारू नो बियर कुछ नहीं, अब 9 दिन। मैं लड़की हूँ, मैंने व्रत रखा, मैं तो सब कुछ करूंगा भाई। पुण्य दान तेरा कैसे लगेगा ये? अरे तो पुण्य दान करूंगा तो कोई नशा करने नहीं मिलेगा, जाओ। कितना गंदा है यार। जनता देखो आप इसको अच्छा समझती हो, ऐसा है ये देखो। फोन काट, किसके फोन आ रहे हैं। सो गाइज अब हम काफी थक गए, ये वाला ब्लॉग मैं एडिट करने लगी हूँ। सो गाइज ये वाला ब्लॉग, आज का ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग बढ़िया लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।